को लेकर सवाल उठा, अब किसानों पे भी सवाल उठ रहे हैं। किसान का जो बिल आया है उसको लेकर उनके पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर ही एनडीए के रिजाइन कर दिया है। देखिए, हम शुरू से कहते रहे हैं कि एनडीए की जो सरकार है ये लोग किसान विरोधी हैं, ये लोग मजदूर विरोधी हैं, ये लोग गरीब विरोधी हैं। अब आप देख सकते हैं उन्हीं के अलायंस पार्टनर के जो मिनिस्टर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी विरोधी कानून जो है ज़बरदस्ती जो है लोगों पे थोपना चाहते हैं। उस वजह से ये डिफरेंसेस तो उनके एनडीए में भी दिख रहा है कि ये कानून जो है पूरी तरीके से ये किसान विरोधी कानून है, और लगातार जो है एक एक करके तीन विधेयक इन्होंने सामने लाने का काम किया है, जिसका लगातार जो है किसान को जो है इसका नुकसान होगा। और जब किसान का नुकसान होगा, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से हमारे देश पे भी इसका असर पड़ेगा। और ये पूरी तरीके से बीजेपी की पार्टी जो है पूंजीपति पार्टी हो गई है, कॉरपोरेट्स की पार्टी हो गई है। इसमें ना किसान की सुनी जाती है, ना गरीब की सुनी जाती है, ना मजदूर की सुनी जाती है, ना युवा नौजवानों की सुनी जाती है। देश जो है आर्थिक मंदी से ऐसे भी गुजर रहा है, और आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कभी चांद पे जाने की बात करते हैं। और ये नीतीश जी के कहने पे बार बार ये कहना, सुशील मोदी जी का जो आपने बयान देखा होगा कि पलायन जो मजदूर जो कर रहे हैं इनके राज्य में 50% पलायन बढ़ गया, वो बोलते हैं कि मौज मस्ती के लिए करते हैं, मज़े के लिए करते हैं, उनको इसमें आनंद आता है इसलिए जो है वो पलायन कर रहे हैं। इन लोगों ने मजदूरों को आने से रोका बिहार में, भद्दी भद्दी जो है गालियां देने का काम किया, क्रिमिनल तक बोला। और यही सुशील मोदी जी अब माखौल उड़ा रहे हैं उन गरीबों का जो अपना पेट काट के अपने परिवार का पेट पालने के लिए खून पसीने की मेहनत से जो दिहाड़ी मजदूर है वो बेचारा पलायन करता है, उसको आनंद आता है। जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके अपने परिवार से दूर रहता है लॉकडाउन में, बिहार वापस आने के लिए 1500-1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पैदल चलता है, जिनको इनकी सरकार रोकती है। और सुशील मोदी जी कहते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इशारे पे कि उनको आनंद आता है, इनको तुरंत तुरंत माफ़ी मांगना चाहिए। सुशील मोदी जी लगातार जो है इस तरह का बिहार के नौजवानों के साथ और किसानों के साथ और मजदूरों के साथ ये बीजेपी के लोग और नीतीश कुमार जी माखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं। एक बात और है कि इससे पहले भी दो पुल बह गए थे, तो कहा गया था कि अप्रोच रोड बहा है, अपोजिशन या मीडिया फेक न्यूज दिखा रहा है, लेकिन एक किशनगंज में उद्घाटन से पहले पुल तैयार ही हुआ था, करोड़ों की लागत से बना था और बह गया। ये तीसरी घटना है 2 महीने के अंदर में। देखिए, करोड़ों की लागत से पुल बनते हैं, उद्घाटन से पहले ही टूट जाते हैं या उद्घाटन वाले दिन टूट जाते हैं, ये नीतीश कुमार जी का विकास है। आप बताइए, करोड़ों का पुल जो निर्माणाधीन है, अभी आनंद फानन जो है उद्घाटन पर उद्घाटन कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ISBT का जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उसका जो है ISBT का 40-45% ही केवल काम हुआ है, और ये 40-45% जो काम हुआ है इसी पे ये उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये लगातार पुलियों की घटनाएं, कितने तटबंध, कितने डैम, कितना बराज टूट गया, रोड कट गए, टूट गए, पुलियों की तो कोई संख्या नहीं है, महासेतु तक दह गए। इसलिए हम बार बार कहते हैं नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। किशनगंज में करोड़ों की लागत से पुल टूटा, लेकिन आप लोग देखेंगे किसी कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई की गई हो, किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई की गई हो, या मंत्री ने, किसी ने, मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली हो या किसी पे तय की गई हो, कोई जांच नहीं बैठता है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार लूट में ये नीतीश कुमार जी लिप्त हो चुके हैं। सुशील कुमार मोदी जी गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। जो बेचारे किसान, मजदूर या नौजवान जो पढ़ाई के लिए, चिकित्सा के लिए, रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं, उसको सुशील मोदी कहते हैं कि भाई मौज के लिए जा रहे हैं। और बिहार में आप देखिए पुलियाँ टूट रहे हैं, बाढ़ हो, कोरोना हो,
इनके नेता, इनके विधायक, अब इनको जो है चुनाव आ रहा है तो लोगों के बीच जा रहे हैं। इतने दिनों से कहाँ थे, जब जनता दुखी थी, जब उनको सहायता चाहिए था, तब तो इनके विधायक जो है कहीं नज़र नहीं आए, और अब जब इनको वोट लेना है तो लोगों के बीच जा रहे हैं, और इनका लोग जो है पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे हैं, इनके विधायकों का विरोध कर रहे हैं। अंतिम सवाल के देखिए, बीजेपी जेडीयू में हमेशा हुआ कि लोकसभा में मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाता है, बीजेपी बिहार में हमेशा नीतीश कुमार के चेहरे पे जो मुख्यमंत्री वाला उम्मीद ये होती है विधानसभा का, उसमें लड़ाई करते हैं। लेकिन कल बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं है, जबकि जेडीयू हमेशा से अपने आप को बड़ा भाई बिहार में विधानसभा चुनाव में मानते रही है। तो एक उधर ऊपर से चिराग पासवान का कहना है कि उनके सांसदों का कहना है कि 143 सीट पर जेडीयू के खिलाफ लड़ेंगे, कैसे देख रहे हैं कि इस तरीके से उठा पटक? देखिए, एनडीए का अपने घर का मैटर है, हमको उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन हाँ ज़रूर हम सवाल उठा सकते हैं। जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जो आत्मनिर्भर की बात करती है, पूरे देश को आत्मनिर्भर, पूरे बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, वो बिहार में ही आत्मनिर्भर हो जाए पहले, नीतीश कुमार जी के पीछे लघु बने हुए हैं और खुद तो आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं, चले हैं पूरे देश को और पूरे बिहार को आत्मनिर्भर बनाने। आपको लगता है कि चिराग पासवान जो फैसला ले रहे हैं उनको सही समय है, क्योंकि जिस तरीके से उनके पार्टी के नेताओं का कहना है कि ऐसे में तुम्हारी पार्टी का कभी आगे भविष्य नहीं रहेगा अगर हम 5-10 सीट अम्ब्रेला के नीचे रहेंगे, वो जो कह रहे हैं कि जेडीयू के खिलाफ 143 सीट पर हम लड़ेंगे, तो आपको लगता है कि वो भी यंग है, आप भी यंग है? देखिए, हमको हमको एलजेपी के नेता क्या बयान देते हैं, क्या करते हैं, इस पर हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है, और इनके मीटिंग या इनके बैठक का कोई मतलब नहीं रह गया। अब ये अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए करते हैं या वैल्यू घटाने के लिए करते हैं, इस पर हम जो है ज़्यादा कुछ हम टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते। अब भविष्य खतरे में होगा इनका नहीं होगा, उस पर तो क्या हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़नी हैं, क्या करना है, इसमें तो हम उनको कोई सलाह दे नहीं सकते हैं कि क्या करना है। लेकिन लगातार जो है आप कोई फैसला लेते हो तो इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये फैसला लेते हैं फिर जो है फैसला किस रफ्तार से आगे बढ़ती है ये भी तो लोग देख रहे हैं। लोग जो हैं हर एक चीज़ों को पहचान रही है, जान रही है उनकी क्या स्ट्रैटेजी है या क्या है। आज बिहार में 70 जगह बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है मोदी जी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में, कैसे देखते हैं कि 70 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें बताया जाएगा कि मोदी जी ने क्या क्या किया है बिहार के लिए, क्या क्या उनका अचीवमेंट रहा है? देखिए, ये लोग खाली भाषण के देना इनका काम है, इनको जनता का सेवा से कोई मतलब नहीं है। यही बिहार राज्य में कहा जाता कि बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए ना कि 1,25,00,000 करोड़ का पैकेज जो है जो घोषणा किया गया था चुनाव में वो कहाँ है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, पटना यूनिवर्सिटी छोड़िए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का तो दूर की बात है, लेकिन पटना विश्वविद्यालय को भी जो है अब तक जो है केंद्र यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया। तो बिहार को तो ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन वाकई में कहाँ ये स्टैंड करते हैं ये सब लोगों को पता है।